हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैंने अपने पौधों में पानी डाला, जो कि आज थोड़ा लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मिल्क मिंट आलमंड कोकोनट लड्डू, जिसमें मैंने 50 ग्राम्स आलमंड्स लिया है और 1 कोकोनट को मैंने ग्रेट किया है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून के अराउंड मैंने घी लिया है, जिसमें हम बादाम को रोस्ट करेंगे मीडियम हीट पे। तो फ्रेंड्स, वो शायद मेरा वीडियो डिलीट हो गया जिसमें मैं रोस्ट कर रही हूँ बादाम को। ये देखिए, ये रोस्ट करके मैंने निकाल लिया है। अराउंड 3 to 5 मिनट्स लगते हैं रोस्ट करने में। यहाँ पे मैंने 1 कोकोनट लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है। आप ग्रेट भी कर सकते हो और इसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जिस कढ़ाई में मैंने बादाम रोस्ट किया था, उसी में हम लोग कोकोनट को रोस्ट करेंगे। यहाँ पे अपना बादाम को जो है ग्राइंड कर लेंगे, हल्का कोर्सली ग्राइंड करेंगे, इसको ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लड्डू बनाने के लिए नेस्ले का जो मिल्क मेड आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप नेस्ले का मिठाई वाला भी जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग हाफ यूज़ करेंगे इसमें लड्डू बनाने में। तो ये हमारा कोकोनट जो है भुन चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कोर्सली ग्राइंडेड आलमंड जो है रेडी है। यहाँ पे हम हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर या दालचीनी पाउडर है जो वो कोकोनट में हम लोग डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कोर्सली ग्राइंडेड आलमंड को इसी कोकोनट में डाल देंगे और हल्का सा सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना फ्लेम जो है गैस का फ्लेम लो पे है और इसको डाल करके कंडेंस मिल्क डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और आप ये देख ले कंसिस्टेंसी के अपना बाइंडिंग वाला टेक्सचर जो है आ जाता है। अगर थोड़ा आपको ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये निकाल लिया है और ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम लोग ठंडा करना ये मिक्सचर को ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कि जब हम लोग चॉकलेट चिप्स इसमें ऐड करेंगे तो वो मेल्ट ना हो। तो मैंने ये चॉकलेट चिप्स जो है इसमें ऐड कर दिया, जिससे थोड़ा सा जब आप खाते हो ना तो थोड़ा क्रंच आता है, तो इससे बहुत टेस्टी और यमी लगता है। आप चॉकलेट चिप ना हो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये टोटली ऑप्शनल है। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन चॉकलेट चिप्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो अब हम लोग इस मिक्सचर को मिक्स करके अच्छे से इसका बॉल छोटे छोटे बाइट साइज़ बना लेंगे। आपको जितने बड़े बड़े भी बना सकते हो, मीडियम भी छोटे भी। मैंने ये साइज़ बनाया क्योंकि एक एक थोड़ा हैवी हो जाता है अगर आप बड़ा बनाओ तो। ये साइज़ ठीक है क्योंकि ज़्यादा स्वीट भी कंज्यूम करना आज के डेट में मुश्किल ही है। तो फ्रेंड्स, अपना नारियल लड्डू जो है रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। एक नारियल से अराउंड 15 से 20 लड्डू बन गए, मतलब मीडियम साइज़ के। तो आप इसको स्टोर कर दें फ्रिज में और जब भूख लगे या जब आपकी ख्वाहिश हो आप खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली को खिलाएं और मज़े करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।